رمضان يا رمضان يا خيرة الأزمان قد أنزل القرآن على النبي العدنان يا قلبي فاز الصائمون القائمون الراكعون الساجدون الحميدون التائبون لربهم بالشهر هلت الأفراح في ليلة القدر الفلاح فاطلب من الله النجاح اجعلنا من أهلهم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टू माय चैनल उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं तो ये मैंने की थी रमज़ान की डेकोरेशन और ये अपनी बैल्कनी जो है वो हम लोगों ने डेकोरेट की थी और ये जो है हम लिए रॉड लेके उसमें जो है पूरा जो है वो डोरी से उसको पूरा स्टिक करा और मतलब पूरा उसको डेकोरेट करके और फिर हमने उसको लगा दिया था बालकनी में लेकिन हुआ कुछ क्योंकि वो काफ़ी जो है हवा चल रही थी तो वो गिर गई मगर बहुत खूबसूरत डेकोरेशन हुई थी बालकनी की तो ये हमने इफ्तार भी बाहर की थी उस दिन हाँ मतलब उसके एक दिन बाद हम जो है वो बाहर अपने का ज़रा डेकोरेशन हो गया अब ज़रा बाहर बैठ के जो है थोड़ी सी इफ्तारी भी कर लें तो बहुत मज़ा आया क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है और बस यही दिन होते हैं जब मौसम अच्छा होता है कि चलो बाहर निकलो बैठो वरना जो है यहाँ पे जो है वो मौसम इस तरह का बहुत कम ही जो होता है बाहर बैठने का होता है और एज़ यूजुअल हम दोबारा जा रहे थे शारजा क्योंकि शारजा जो है वो मानेकर्ट से जो है वो करीब है तो हम जो है वो शारजा अजमान का ही रुख करते हैं ज़्यादातर क्योंकि एक एरिया कहलाता है यहाँ पर जो कि अपोजिट साइड पर है जहाँ पर मेरे हस्बैंड का ऑफिस है वो कहलाता है वहाँ पे JVC JLT मतलब वो सारा उधर की तरफ का एरिया स्पोर्ट्स सिटी और मतलब उस तरफ हमारा बहुत कम जाना होता है हम जो है वो ज़्यादातर इधर ही आते हैं क्योंकि हम जो है यहाँ से करीब रहते हैं शारजा से और ये हम आ गए थे मिनी पाकिस्तान और यहाँ पे जो है मतलब जो रौनक होती है ना रमज़ान में उसकी बात ही अलग होती है इंशाल्लाह आपको सहूर का ब्लॉग भी दिखाऊंगी मैं कि सहरी के टाइम पे यहाँ पे कितना रश होता है और बिल्कुल भी जगह नहीं होती यहाँ पे खड़े होने की ना पार्किंग मिलती है ना कुछ ये इतफाक़ से हम अच्छे टाइम पे आ गए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पार्किंग भी बहुत अच्छी मिल गई थी और ये जो शॉप है यहाँ पे जो है पाकिस्तानी गोश भी मिलता है और ये मतलब अच्छा ये ही शॉप है इधर के बराबर में सब ना बराबर बराबर इस तरह से बनी हुई है यहाँ पे ना पाकिस्तान की ही ज़्यादातर चीज़ें मिलती हैं हम लोग भी पाकिस्तान कहते हैं इस जगह को तो यहाँ पे जो है ना नान मिलते हैं चिकन चीज़ नान कीमा नान मतलब नान के साथ जो है वो चने और नान बहुत मज़ेदार हलवा पूरी वगैरह सब चीज़ें बहुत यमी मिलती है तो हमने सोचा था कि हम ना इफ्तारी करेंगे बाहर लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह टाइम इतना था तो हमने यही सोचा कि आप बाहर इफ्तारी करनी है तो हमने यही प्लान कि हम जो है वो इफ्तारी जो है वो घर लेकर आते हैं और घर आके इफ्तार करते हैं क्योंकि इनके पास जो है ना पिज़्ज़ा भी होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है पाकिस्तानी स्टाइल का पिज़्ज़ा ना तो हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है तो हमने क्योंकि बच्चे नहीं खाते ज़्यादातर उस तरह की चीज़ें तो हमने एक पिज़्ज़ा भी उठा लिया था तो बस इसी तरह से निकलते हुए अच्छा निकलते हुए जो है वो थोड़ा सा हमें रश मिला क्योंकि ये जो है ना रोला का एरिया कहलाता है और यहाँ पर काफ़ी रश होता है आप किसी से भी पूछें शारजा में रोला की जो जगह है वहाँ पर जो है वो बड़ा जो है होता है और क्योंकि ज़्यादा शॉप्स भी होती हैं और अच्छा इधर इधर की ही तरफ जो है वो जे डॉट की भी शॉप है ना तो बस हम यहाँ से निकल गए थे और इफ्तार से पहले का टाइम बड़ा डिफ़िकल्ट हुई बात है क्योंकि रास्ते में सबको बहुत जल्दी होती है और सबको होता है कि हम बस पहुँचे हैं जल्द से जल्द और मतलब इफ्तार करें अपने घर जाके असल में जो है शारजा का मामला कुछ ऐसा है कि जिन लोगों को शारजा में रहने की आदत हो जाती है ना वो फिर दुबई में और दूसरी जगहों पे उनको पसंद नहीं होता है ना वही वाली बात है दुबई वाले जो हैं वो उनको शारजा अजमान रहना पसंद नहीं होता क्योंकि ये सारी चीज़ें देखते हुए करनी पड़ती हैं असल में होता कुछ यूँ है कि जिसके जॉब का मामला जैसे शारजा में ही है तो वो अपनी जो है वो लिविंग लाइफ स्टाइल जो है वो शारजा में ही पसंद करते हैं रहना और स्कूलिंग वगैरह भी लोग फिर शारजा में ही करते हैं और ये देखें जे डॉट जो है मैंने आपसे कहा था जे डॉट भी है यहाँ पर रोला साइड पे तो ये है हम एक दफ़ा यहाँ आए थे तो इन्होंने जो है वो कहा कि नहीं हम अभी नहीं खोलेंगे
रिफ्तार के बाद हम खोलेंगे। हमने काफ़ी देर वेट किया, इफ्तार के बाद हम यहाँ रुके रहे और जो है वो फिर हमने यहाँ देखा, लेकिन मायूसी ही हुई क्योंकि इनके पास जो है वो वैरायटी भी इतनी खास नहीं थी और प्राइस जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा हाई लगे थे इनके। तो जे डॉट फिर हम वहाँ से आ गए थे, ये पहले की बात बता रही हूँ। इस दफ़ा तो क्योंकि मैं पाकिस्तान से होकर आ गई थी तो मैंने जो है बच्चों के कपड़े वगैरह सब कुछ वहीं से अपनी सारी ईद की तैयारी कर ली थी। ये एक अच्छा ऑप्शन मिल गया था कि इस वक्त रमज़ान से पहले जाके जो है ना अपनी तैयारी कम्प्लीट कर ली थी। और मैं ये बता रही थी कि शारजा में जो लोग रहते हैं जैसे, तो उनको आदत होती है, फिर शारजा की ही आदत हो जाती है। अब जैसे मैं, हम दुबई में रहते हैं लेकिन अब मुझे जो है ना शारजा आना पसंद है, शारजा अजमान आना पसंद है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ना चीज़ें अच्छी मिलती हैं और यहाँ का लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा है, फैमिली लाइफस्टाइल, यानी फैमिली ज़्यादा नज़र आएंगी यहाँ पे आपको। और जो दुबई है उसका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि आदत हो जाती है दुबई में रहने की और जॉब और मतलब स्कूल वगैरह वहीं है, तो इसलिए जो है वो शारजा में मूव होना जो है वो इजी नहीं है। बाकी ये भी होता है कि कुछ लोगों के जो है वो दुबई में रहते हुए बच्चों की जो स्कूलिंग है वो लोग शारजा में भी करते हैं, क्योंकि शारजा में जो स्कूल जो है वो काफ़ी अच्छे हैं कुछ स्कूल। और हाँ, अगर प्राइस देखा जाए तो कोई प्राइस लो नहीं है, प्राइस जो है वो नॉर्मल ही है, दुबई के हिसाब से प्राइस होते हैं शारजा में भी। इवन दुबई में कभी कम प्राइस मिल जाता है शारजा के बनस्बत, तो ये बड़ी हैरान कन बात है। और ये भी यूँ देखें, यहाँ पे इतनी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, तो शारजा में जो है ना जगह जगह आपको मस्जिद नजर आएगी, दुबई में भी है, लेकिन यहाँ ना ऐसा लगता है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जो है वो हिसाब नज़र आता है मस्जिदों का। और अभी रमज़ान के दिनों में यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगती है इफ्तारी की, लोग माशाल्लाह खड़े होते हैं। अच्छा, किसी को भी ना मना नहीं है, तो नॉन मुस्लिम मुस्लिम सब जो है वो लाइन में लग जाते हैं इफ्तार लेने के लिए, और ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है। तो हमारा गुजारा गुजारना हुआ एक मस्जिद से, तो ये देखें पहले एक मस्जिद से गुजारना हुआ तो मैं मिस कर गई, लेकिन मुझे दोबारा से वही नज़र आ गया व्यू, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं कि यहाँ पे इस तरह से ये इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। ये कम लाइन बता रही हूँ मैं आपको, दिखा रही हूँ, वरना इससे भी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई होती है इफ्तार के लिए। और उसमें कोई ये नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही अलाउ हो, उसमें जो है वो नॉन मुस्लिम भी आ जाते हैं। तो बाकी ये कि ये तो वही वाली बात है कि रिस्क जो है वो अल्लाह ताला देते हैं सबको, हमारे कोई मजाल नहीं है, तो सब इतनी ओपन है, आ जाएं खा लें। और ये तो बरकतों वाला महीना है, इसमें तो माशाल्लाह से जो है वो आप जितना बांटें, जितना जितना भी बनाएं कम है, और इस महीने में जितने सदका करें ना उसका भी डबल दुगना तिगना जब सवाब है। ये एक तरह से वो वाला ऑफ़र है कि जैसे हमें सेल की ऑफ़र नज़र आती है ना, तो हम लपक के जाते हैं कि यहाँ पे सेल लगी। तो ये मंथ जो होता है इसमें भी यही मामला है कि इसमें जो है वो सारी जो है ऑफ़र्स लगी हुई हैं, आप सदका दें उसका डबल सवाब मिलेगा। नमाज पढ़ें, सुन्नतें पढ़ें, नफिल पढ़ें, तरावी पढ़ें, कुरान जितना से ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, तो हर चीज़ का सवाब जो है ना आपको डबल हो जाता है। और ये देखें हम जा रहे हैं ये हाईवे से ना, और ये बहुत बड़ी रोड है माशाल्लाह, तो बस अब हम जाएंगे घर और मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने इफ्तार में क्या क्या दिया। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फॉर्म में मुलाकात होगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो है वो और शौक से आप लोगों के लिए शारजा का, दुबई का, सब जगह का लाइफस्टाइल शेयर करूं कि लोग यहाँ किस तरह से रहते हैं और यहाँ पे कितनी खूबसूरत खूबसूरत जगहें हैं। ये हम पहुँच चुके थे दुबई, और ये गरहुद का एरिया कहलाता है, टर्मिनल 1 और 3 है यहाँ पे एयरपोर्ट। तो इंशाल्लाह ताला आपसे जो है वो नेक्स्ट वक्त में मुलाकात होगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।